हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बेटा आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन का रिवीजन करेंगे। अर्लियर क्लासेस में आप लोग ये सब सीख चुके हो, फिर भी स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम से। ये मल्टीप्लिकेशन है, आपको पता है ये सिंबल जो है ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। चलिए सॉल्व किया जाए, बहुत ध्यान से देखिएगा, हो सकता है आप भूल गए हो तो फिर से आपको याद आ जाएगा। देखिए ये टू डिजिट्स हैं ऊपर, यूनिट्स एंड टेंस भी बोलते हैं या वंस एंड टेंस, और यहां पर सिंगल डिजिट है नीचे, इससे हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है फोर से यहां पर, तो फोर का टेबल हम रीडिंग करेंगे, बोलेंगे। कैसे बोलेंगे इसको पहले ध्यान में रखे रहेंगे। ये क्या है, फोर है ना, तो ऐसे रीडिंग करो, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा ट्वेल्व, फोर फोर जा सिक्सटीन। अब यहां रुक जाओ, फोर जा मिल गया हमें, फोर फोर जा क्या है बेटा, सिक्सटीन। तो सिक्सटीन कैसे हम लोग लिखते हैं, वन सिक्स सिक्सटीन, तो ऐसे आपको राइट डाउन करना है बेटा, वन सिक्स। कोई कंफ्यूजन नहीं कि क्या ऊपर लिखना है क्या नीचे लिखना है, नो नो डाउट बेटा, वन सिक्स सिक्सटीन, तो वन सिक्स सिक्सटीन। ओके, अब ये जो बेटा कैरी है तो इसको क्या करना है फिर से सीखिए। आप में से बहुत से लोग जानते हैं, फिर भी फिर से रीडिंग करेंगे, फोर फोर जा, तो अभी सिक्सटीन आया था ना, फोर फोर जा सिक्सटीन, लेकिन यहां पर कैरी वन है, इस वन को आप फिंगर पे यहां ले लीजिए, कैरी वन। ठीक, यहां पे फिंगर पे ले लिया वन, अब क्या किए, फोर फोर जा सिक्सटीन सेवनटीन। ठीक है, सिक्सटीन के बाद क्या आया, सेवनटीन, बस यहीं तक काउंट करना है। क्यों, कैरी ओनली वन है, तो इस वन को ही मैंने यहां पे लिया था और मैंने फिर रीडिंग किया, फोर फोर जा सिक्सटीन सेवनटीन। ठीक है, तो यहां आ गया वन सेवन सेवनटीन। ठीक, इस तरीके से आप लोग ये थ्री प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए इस प्रॉब्लम को मैं बताती हूं आपको, क्या डिफरेंस है, यहां पे ऊपर टू डिजिट्स थे, यहां पे थ्री डिजिट्स हैं, यूनिट्स टेंस हंड्रेड। ये भी जानिए आप लोग बेटा, इसको यूनिट्स भी कहते हैं वंस भी कहते हैं, ये टेंस का डिजिट है और ये हंड्रेड का डिजिट है। ठीक है बेटा, अब कैसे सॉल्व करेंगे देखो, पहले हम लोग फाइव का टेबल रीडिंग करेंगे, यहां पे फाइव है ना, फाइव थ्री जा रीडिंग करेंगे, फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन। तो फिफ्टीन कैसे आप राइटिंग करते हो बेटा, वन फाइव फिफ्टीन, तो देखो वन फाइव फिफ्टीन। ठीक है बेटा, कैरी कितना है, वन, कैरी ओवर वन, तो ये वन यहां पे आप ले लीजिए। ठीक है, ये वन यहां पे ले लीजिए, ये वाला वन यहां पे। अब फिर से आप टेबल रीडिंग करिए, क्या रीडिंग करना है, फाइव सिक्स जा रीडिंग करना है, तो फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टी, फाइव फोर जा ट्वेंटी, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, फाइव सिक्स जा थर्टी, और थर्टी के बाद कैरी कितना है बेटा, वन, तो थर्टी थर्टी वन, थर्टी के बाद थर्टी वन आएगा ना। अब इसको कैसे राइटिंग करोगे, थ्री वन थर्टी वन, बेटा कैरी अगल वाले पर जाता है। ठीक है, कैरी ओवर क्या है, थ्री वन, थर्टी वन हो गया। अब क्या करना, अब तो कैरी यहां पर थ्री है बेटा, तो वन टू थ्री यहां तक हो गया। अब फाइव फाइव जा रीडिंग करिए, तो फाइव फाइव जा होता है ट्वेंटी फाइव, लेकिन जो ये कैरी ओवर थ्री है
तो 25 के बाद 26, 27, 28, ठीक। तो ये हो गया 28, ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से आप ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा इस पर। ये आपका आज का होमवर्क है। ओके बेटा, थैंक यू।